जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई तो सबके लिए ये विधा अनजान थी। सब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ट्राई एंड एरर के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। और वो कहते हैं ना, एक आदमी में सभी गुण नहीं हो सकते, लेकिन सभी में कोई ना कोई गुण ज़रूर हो सकता है। तो सभी एक दूसरे से सीख रहे थे, इस तरह एक टीम बन जाती थी और वो साथ लंबे समय तक चलता था। शुरुआत में इसी तरह स्टूडियो सिस्टम की नींव रखी गई, जिनमें से कुछ ने बेहद उत्कृष्ट फिल्में देखकर अपनी पहचान बनाई। सिनेमा ने सिर्फ आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लोगों का ही ध्यान नहीं खींचा, बल्कि राजाओं, नवाबों और कारोबारियों का ध्यान भी अपनी तरफ आकर्षित किया। ऐसे ही एक कारोबारी थे द्वारकादास संपत, जिनके स्टूडियो ने एक समय में धूम मचा रखी थी। नमस्कार, मैं हूं नीतू और आज बात करूंगी साइलेंट एरा के एक बेहद महत्वपूर्ण स्टूडियो की, जो अपने नाम की तरह ही जगमगाया और बेहद प्रसिद्धि पाई। मैं बात कर रही हूं कोहिनूर स्टूडियो की। द्वारकादास संपत, जिन्होंने एसएन पाटनकर की पाटनकर फ्रेंड्स एंड कंपनी से बतौर फिनेंसर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। बाद में अहमदाबाद के एग्जीबिटर माणिकलाल पटेल से उन्होंने हाथ मिलाया और 1919 में कोहिनूर फिल्म कंपनी की स्थापना की। कोहिनूर भारत के सबसे बड़े साइलेंट स्टूडियोज में से एक था, जिसने अपने दौर की बेहद कामयाब फिल्में दी। इसकी शुरुआती कुछ फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज थीं, जो द्वारकादास संपत के गांधीवादी विचारों को दर्शाती थीं। भारत की वो पहली फिल्म जिसे बैन कर दिया गया था, भक्त विदुर, इसी बैनर की थी। उसका निर्देशन किया था कांजी भाई राठौर ने। फिल्म में व्हील ऑफ फॉर्चून के नाम पर गांधी जी का चरखा भी दिखाया गया था। गांधी जी की धोती और चरखा इसके बैन होने के लिए काफ़ी था। उसके बाद गुले बकावली और काला नाग भारतीय दर्शकों को बहुत पसंद आई। स्टूडियो की कामयाबी को भांपते हुए एक डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट बच्चू भाई भगू भाई ने स्टूडियो की सभी फिल्मों के राइट्स खरीद लिए और 1925 तक ये हाल था कि कोहिनूर स्टूडियो की महीने की बुकिंग की आय 50,000 रुपये से भी ऊपर पहुँच गई थी। कोहिनूर फिल्म कंपनी ने करीब 98 फिल्में बनाई, लेकिन 1923 में स्टूडियो में आग लग जाने से तब तक की कोहिनूर की सभी फिल्मों के नेगेटिव्स नष्ट हो गए थे। द्वारकादास संपत का ये स्टूडियो हॉलीवुड स्टाइल का कहा जा सकता है, जहां एक ही वक्त में कई कई प्रोडक्शंस होते थे, स्टोरी सेशंस होते थे। मोहनलाल दवे वहाँ प्रमुख लेखक थे। कहा जाता है कि इसी स्टूडियो से स्टार सिस्टम की नींव पड़ी। तारा, खलील, राजा सेंडो और जैबुनिसा ने यहीं से शुरुआत की। मोती और जमुना जैसे स्टार्स यहीं से निकले। साइलेंट एरा के सबसे कामयाब फिल्मकार होमी मास्टर ने कोहिनूर के लिए कई बेहतरीन फिल्में बनाईं। आरएस चौधरी, मोहन भवनानी, आरएन वैद्य और नंदलाल जसवंतलाल जैसे फिल्मकारों को प्रशिक्षित करने वाला कोहिनूर स्टूडियो 1932 में बंद हो गया। शायद फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर और कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि वक्त किस हद तक बदल सकता है, किस हद तक बेरहम हो सकता है। कोहिनूर अपने ज़माने के बड़े स्टूडियोज़ में से एक था। कलाकार, फिल्मकार वहाँ से स्टार्स बनकर निकले, लेकिन आज उसकी निशानी के तौर पर कुछ गिने चुने पोस्टर्स के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में साइलेंट एरा के एक और महत्वपूर्ण स्टूडियो की यादें साझा करूंगी। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। अभी के लिए नीतू की तरफ से बाय बाय।